हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप जो YouTube की SVB फ़ाइल होती है, अगर इसमें आपने पहले से कोई SVB फ़ाइल बना कर रखी हुई है और फ़र्ज़ किया कि आपने उसकी जो डिले है वो आपसे कुछ ख़राब हो जाती है, यानी कि हमने किस तरह से डिले को फिक्स करना है SVB फ़ाइल में जो कि YouTube में यूज़ होती है एज ए सब टाइटल। तो चलते हैं वीडियो में। इसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पर पहले समझाता हूँ कि जो चीज़ मैं फ़िक्स करने जा रहा हूँ वो कैसी है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो आप कह लें, एक मिनट, मैं यहाँ पर मेरे पास ये SVB फ़ाइल पड़ी हुई है सब टाइटल की। हाँ, ये वाली फ़ाइल। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ़ाइल आप देख रहे हैं, एक मिनट, मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ये वाली जो फ़ाइल है, कैप्शन वाली SVB, तो ये जो फ़ाइल है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में से अपना जो है सबटाइटल फ़ाइल डाउनलोड की थी, और इस बार मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा तकरीबन 20 से या 25 सेकंड का जो है इजाफ़ा किया, तो अब मुझसे जो टाइटल है वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा सा, मैं यहाँ से पहले आपको फ़ाइल से समझाता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट सबटाइटल है, यहाँ पर जो लोकेशन इसकी शुरू हो रही है, कह लो कि जो इसकी ड्यूरेशन है ये 5 सेकेंड है, ठीक है, और इसके जो एंड हो रही है वो है 8 सेकेंड, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं इन सब टाइटल को 15 या 20 सेकेंड तक जो है इनको सब में इजाफ़ा कर दूँ, यानी कि इनको मैं कैसे रीशफल करूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूँ कि 17 सेकेंड जो है हर लाइन में मेरे इजाफे हों उसमें। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये जो YouTube फाइल है, इसमें मैं सबटाइटल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, इससे बिल्कुल सेम वीडियो पहले वाली थी। तो जब मैंने यहाँ पर ये वाली फ़ाइल अपलोड की विद टाइमिंग वाली, ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये वाली फ़ाइल, ठीक है, इसका हुआ क्या था, पहले तो ठीक था लेकिन बाद में ये ख़राब हो गई। सॉरी, ये वाली फ़ाइल है, अच्छा, यहाँ पर मैं ये जो फ़ाइल है अपलोड करता हूँ विद टाइमिंग के साथ, और ये वाली जो फ़ाइल है ना, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो अब ये जो है सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें मसला क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है, अब यहाँ पर ये जो ये पहली लाइन है, ठीक है, तो इसको शुरू होना चाहिए कहाँ से, क्योंकि ये जो बात है यहाँ पर मैंने कही है, ये 17 सेकंड पे, नहीं 23 सेकंड पे, ये हो गया यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने अपनी जो है बात शुरू की है, लेकिन ये जो पीछे सारा टाइटल है वो उसको मैंने सबको आगे लेके आना है। अगर मैं इसको मैन्युअली एक एक करके उधर ले जाऊं तो फिर काफ़ी सारा मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये शुरू हो रही है 5 सेकंड से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5 सेकंड से शुरू हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ले जाऊँ कहाँ पर, 23 सेकंड पे, 23। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वीडियो सब टाइटल शुड स्टार्ट फ्रॉम 23 सेकेंड, यानी कि जो मेरे टाइटल हैं वो 23 सेकेंड से शुरू होने चाहिए, जबकि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 5 सेकेंड से, ये आप देख सकते हैं ये 5 सेकेंड से शुरू हो रहे हैं। अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अंडो कर देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा जिसका नाम है सब टाइटल एडिट,
ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर सब टाइटल एडिट, ठीक है। आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने नहीं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और अपनी जो है वीडियो को ऐड करना है। अब मैंने यही वीडियो वहाँ पर अपलोड करनी है, तो अब क्या करना है, यहाँ से हमने वो जो सबटाइटल वाली फ़ाइल है जो हमने यूट्यूब से डाउनलोड करके रखी थी, प्रीवियस जो हमारी थी जिसमें ये वाली फ़ाइल है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि 5 सेकंड से ये शुरू हो रही है, 8 सेकंड तक, फिर 9 सेकंड से 10 सेकंड तक। सो आई वॉन्ट टू चेंज द लेंथ ऑफ एवरी लाइन्स फ्राम 23 सो ऑनवर्ड, एज वी मैनली वी कैन नॉट चेंज फॉर एवरी लाइन एंड इट विल कंज्यूम मच टाइम, सो नाउ लेट्स डू द वर्क। मैं यहाँ से जो है फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फाइल सिलेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने वेव फार्म दोबारा से यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये वीडियो में क्लिक करता हूँ, ये वेव फार्म ऐड हो जाएगी। अब क्या करना है हमने कि अब हमने यहाँ पर वीडियो में 23 सेकंड भेजाना है, ठीक है ना। अब ये अब यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं अपने जो है अल्फाज शुरू करूँगा या बोलना मैं शुरू करूँगा, ये यहाँ से। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर इधर देखा जाए तो ये तीसरा चौथा टाइटल आ चुका है, ठीक है ना, तीसरा चौथा टाइटल है। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो स्टार्ट टाइम है ये हर टाइटल का है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 लाइनें सेंटेंस यहाँ से गुजर चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाली शुरू हो 5 सेकंड नहीं बल्कि 23 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ से हमने नहीं चेंज करना, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से, अब यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है तो हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ, और यहाँ से यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइन है, तो इधर आपके पास ये ऑप्शन होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम कर देता हूँ, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी, लेकिन मैंने इस पे तकरीबन 2 घंटे लगाए हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, क्या करूँ, इसलिए आपने ये थोड़ा सा तवज्जो से देखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे ये टाइटल शुरू हों और चलते जाएँ, यानी कि हर टाइटल में जो ये 15 सेकंड या 20 सेकंड का गैप है ये फिल होता जाए। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला पहला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करता हूँ, आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आपने एडजस्ट पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास पहला ऑप्शन है स्टार्ट सेट स्टार्ट एंड ऑफ सेट द रेस्ट, ठीक है, ये मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हम ऊपर देखते हैं, ये जो पहला टाइटल है ये 22 सेकंड से शुरू हो रहा है और फिर ये 26 से, इस तरह से हर टाइटल में जो है सेकंड्स का इजाफा हो चुका है। यहाँ पर टाइटल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि बस इतना करना है, अगर आपने शफल करना है या डिले को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आपने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेके ऑफ द रेस्ट कर देना है, ठीक है ना, सेट स्टार्ट एंड ऑफ सेट द रेस्ट। उसके बाद आपका जितना भी सब टाइटल होगा सब में सबकी एडजस्ट हो जाएगी, जो भी डिले होगा वो ख़त्म हो जाएगा। पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि कहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर सेव एज़ करना है, सेव एज़ करने के बाद मैं इसको नेम दे देता हूँ ऐसे AA का, ठीक है, ये यहाँ से सेव हो चुका है। अब मैं आता हूँ यूट्यूब में, यहाँ पर ये मैं 0 पे आ गया, अच्छा यहाँ से मैं फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ, टाइम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ
वहाँ पर वीडियोस में मेरे पास ये फ़ाइल है, ये वाली, ठीक है, जो अभी हमने वहाँ से सेव की है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव, ये हो चुकी है सेलेक्ट। अब क्या करना है, यहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ से जो है हमारे सबटाइटल शुरू हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है तकरीबन 22 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उन्हें कितनी लेंथ पे वहाँ पर रखना है, कि स्टार्ट पॉइंट कौन सा लगाना है। मैंने वहाँ पर शायद 22 इशारिया कुछ पे लगाया, तो अब ये जो है 22 से शुरू होगा और इसी तरह से जितने भी टाइटल होंगे उनकी जो है खुद ब खुद उनकी लेंथ एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब जो है जितने भी टाइटल थे सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं। और इस तरह से आपने टाइटल वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो यानी कि काफ़ी मेथड लोग यूज़ करते हैं कि किसी तरह से VLC प्लेयर या फिर वहाँ पर, लेकिन वो सब टाइटल एक्सट्रैक्ट नहीं होता, यानी डाउनलोड वहाँ से नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना जो है सब टाइटल की आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैनुअली भी यहाँ पर टाइम वगैरह को पुट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। और फिर भी कोई अगर इशू है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।